अच्छा तो इतनी मानती हूँ, इन्होंने हमसे हमारा घर छीन लिया, मेरी नौकरी छीन ली, मुझे जेल भेज दिया, फिर भी मुझे भरोसा है विराट सर। मेरा गलत फायदा नहीं उठा सकते। और आप लोग कैसे भूल गए, जब मैं जेल में थी और इन्हें लगता था कि मैंने इनके 10 करोड़ रुपए चुराए हैं, तब भी जब मुझ पे मुसीबत आई थी तो ये अकेले पुलिस से लड़के मुझे हॉस्पिटल तक ले गए थे। तब भी तो मैं बेहोश थी ना, अकेली थी इनके साथ, इसलिए मैं कह रही हूँ। मैं तो क्या दुनिया की किसी और लड़की के साथ ये कभी ऐसी घटिया हरकत नहीं कर सकते। मैं जानती हूँ और आप लोगों को भी पता होना चाहिए कि मैं बेहोश रहूं या होश में रहूं, किसी भी सूरत में विराट सर मेरा गलत फायदा नहीं उठा सकते। ये बात मैं आपको स्टैम्प पेपर पर लिख के दे सकती हूँ। मॉम, मेरा ना दिमाग खराब हो रहा है, हमारा सारा प्लान ही खराब हो गया। तेरे फूल, अगर किसी ने सुन लिया ना तो यहाँ से सीधा जेल जाएंगे। अभी मेरी तो खुद ये समझ में नहीं आ रहा कि इतना सब कुछ होने के बाद भी वो भवानी विराट के खिलाफ कुछ बोली क्यों नहीं। जहाँ तक मैं विराट को जानती हूँ, वो किसी भी लड़की के साथ ऐसी हरकत नहीं कर सकता, और उनकी इज्जत करना जानता है वो। अरे और कितना वहम पालेगी तू विराट को लेके, माना कि कहे सुने पे यकीन नहीं करना चाहिए, लेकिन आज तो हमने उसका असली चेहरा देख लिया ना, उसका असली रंग देखा, वो भी अपनी आंखों से। अरे आई, भरोसे के लायक नहीं है वो आदमी। ऐसे क्यों कह रहा है हर्षू? सही कह रहा है वो। अरे एक्शन लेनी चाहिए उस बिगड़े नवाबजादे के खिलाफ। अपनी ताई के साथ बदतमीजी की हिम्मत कैसे हुई? अरे क्या कर रहा है तू हर्षा? चेहरे को मारने से क्या होगा? मैं समझ रही हूँ, जो हुआ वो सही नहीं था, लेकिन पिछले कुछ दिनों से हमारे साथ जो हो रहा है कुछ भी तो सही नहीं है ना। मैं जानती हूँ कोई तो है जो बार बार हमें मुसीबत में डालने की कोशिश कर रहा है, और उसी इंसान ने मुझे और विराट सर को भांग खिलाई ताकि मेरे कैरेक्टर पे सवाल खड़ा हो और इल्जाम विराट सर पे लग जाए। ये तो है जो इन दोनों परिवार को दुश्मन बनाना चाहते। बनाना क्या है अमो, दुश्मन ही तो है वो हमारे। और तुम बार बार उसकी साइड क्यों लिए जा रही है? उनका बस चले तो वो झूठे इल्जाम में तुझे फांसी तक लगवा दे। ऐसा नहीं है। ऐसा ही है, सब कुछ सेटल हो गया होता अगर तूने हर्ष को पुलिस को बुलाने से रोका नहीं होता तो। कुछ समझ में नहीं आ रहा कि जरूरत क्या थी उस विराट को बचाने की। वही तो नहीं समझ में आ रहा ना कि आखिर अमृता ने विराट को बचाया क्यों। मुझे तो लगा था कि अमृता की सोच मेरी मुट्ठी में है, लेकिन ये। अरे वही तो गलती की ना हमने अभी, उस लड़की को विराट के खिलाफ उकसाना इतना आसान नहीं होगा। मुंह तोड़ेगा, मुंह तोड़ेगा। लेकिन मॉम, उसका गुस्सेल भाई तो है ना, जो विराट के हमेशा खिलाफ रहता है। देखा था ना कैसे अपने आपे से बाहर हो गया था। फिर सोच क्या रहा अभी, इस्तेमाल करो उसके गुस्से का। करूंगा मॉम, करूंगा। एक प्लान है मेरे पास जिसमें मेरी हेल्प करेगी इशिका और वो भेल वाला। तुझे जो करना है कर,
लेकिन उस विराट को ऐसे फंसा कि वो चाहकर भी हमारे चक्रव्यूह से कभी बाहर ही ना निकल पाए। जो काम अमृता नहीं कर पाई ना, अब वो इसके भाई से करवा, उससे अपना मोहरा भरा। ताई बुद्धू बन रही है तू, पहचान उस आदमी को, उसकी नियत में खोट है। पर हमने ही नहीं, सबने देखा कैसे पकड़ा हुआ था वो तुझे। अगर हम टाइम पे नहीं पहुंचते ना, तो पता नहीं वो क्या कर बैठता तेरे साथ। ताई मेरी बात समझ, वो आदमी ठीक नहीं है, घटिया आदमी है वो। हर्षा देख, मुझे नहीं पता मैं कैसे विराट सर के कमरे तक पहुंची। मुझे नहीं पता हमारे पानी पूरी के पानी में भांग किसने मिलाई, हमारे साथ जो गलत हो रहा है कौन कर रहा है। लेकिन मैं इतना अच्छे से जानती हूँ कि विराट सर किसी भी लड़की के साथ ऐसी गलत हरकत नहीं कर सकते। मुझे या किसी और को लेकर उनका नजरिया गलत हो सकता है, लेकिन उनकी नजर गलत नहीं है। मैं फिर कह रही हूँ, आप लोग विराट सर को समझने में गलती कर रहे हैं। और मैं ये एक बार नहीं, हर बार कहूंगी। जब मेरे अकाउंट से पैसे चोरी हुए, तब मैंने बैंकर से चोरी ना करने का सबूत मांगा था, और आज इतनी बड़ी बात हो गई पर उससे मुझसे कोई प्रूफ नहीं मांगा, ना कोई सवाल किया, बस भरोसा किया मुझ पे। हर दिन कुछ ना कुछ गलत कैसे हो रहा है हमारे साथ। पहले जहान आंटी का घर छीना, टेरेस पे रहने आए तो कभी बिजली कटी, कभी धुआं भरा, फिर गैस लीक हो गई, और अब ये होली और भांगा। कुछ तो गड़बड़ है, कोई बहुत बड़ी गड़बड़। अगर आप नहीं होते तो पता नहीं आई को कैसे ढूंढती मैं। आकर्षण बड़े हैं नहीं जितने दिखते हैं। एक गलत रिश्ते के खत्म हो जाने से जिंदगी खत्म नहीं होती, इनफैक्ट एक नई जिंदगी की उम्मीद शुरू हो जाती है। हमें बस हिम्मत करके आगे बढ़ना है। आप लोग विराट सर को समझने में गलती कर रहे हैं। विराट सर किसी भी लड़की के साथ ऐसी गलत हरकत नहीं कर सकते, और मैं ये एक बार नहीं, हर बार कहूंगी। बैंकर ने ऐसा क्यों कहा? इसे थैंक यू बोलना तो बनता है, कैसे ऐसा क्या करूं? आज तेरे साथ अनहोनी होते होते रह गई। तुझे पता भी है इस घटिया आदमी ने तेरे साथ क्या करने की कोशिश की, जिसे बताते हुए मुझे घिन आ रही है। वो तो भगवान की दया से हम सही वक्त पर पहुंच गए, वरना पता नहीं क्या अनहोनी हो जाती तेरे साथ। सब क्या हो रहा है, कौन कर रहा होगा ये सब, विराट सर पे क्या गुजर रही होगी, इतना घटिया इल्जाम लगा उन पर। मुझे बात करनी चाहिए उनसे। बैंकर, वो ये चेक देना था तुम्हें। सिंघानिया का कॉन्ट्रैक्ट तुमने बनाया ना, तो यू डिजर्व इट, और बाकी सबके लिए भी स्पेशल थैंक यू। नहीं नहीं, मेरा वो मतलब नहीं था। आई मीन ये तो एक्चुअली उसी के लिए है, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट तो तुमने ही बनाया ना, सो यू रियली डिजर्व इट। ये तुम्हारी मेहनत की कमाई है और कुछ भी नहीं, और थैंक यू भी बोलना था तुम्हें। किस लिए? सब मेरे खिलाफ खड़े थे, सबको लगा कि मैं ही गलत हूँ, पर तुमने मेरा साथ दिया। और मैंने सिर्फ सच का साथ दिया, उसके लिए आपको मुझे पैसे देने की जरूरत नहीं। अरे तू हमेशा लड़ने के मूड में। मैं लड़ नहीं रही हूँ। तू चिल्ला क्यों रही हो? सॉरी, देखिए मैंने उस वक्त जो कुछ भी आपके बारे में बोला वो इसलिए बोला क्योंकि मैं जानती हूँ आप किसी भी लड़की के साथ ऐसी गलत हरकत नहीं कर सकते। आप दुश्मनी निभाने के लिए क्रिएटिव हो जाएंगे, हजार तरीके ढूंढ लेंगे, लेकिन ये सब आप नहीं करेंगे कभी। इसीलिए मैंने आपका साथ दिया, तो प्लीज
इसकी कोई जरूरत है। अरे तो ये पैसे मैं तुम्हें उस काम के लिए नहीं दे रहा हूँ। तुमने एक्चुअली में कॉन्ट्रैक्ट बनाया एंड इट्स जस्ट फॉर दैट। मैंने कहा था मैं उसके पैसे नहीं लूंगी। और मुझे भी ना किसी का एहसान रखने का शौक नहीं है, मैं नहीं रखता। तो ये तुम रखो। कैसे मुझे तुम मिल गए, मिल गए। ठीक है, लेकिन लास्ट है। अब से कोई ऐसा नहीं, कोई ऐसा नहीं। एक मिनट, तुम क्यों थैंक यू बोल रही हो मुझे? मुझे बोलना था ना तुम्हें थैंक्स। जैसे मैंने कहा है बिल्कुल वैसा करना। ये साइकिल लो और वहां जाके खड़े रहो और वहां से बिल्कुल भी हिलना मत, ओके? ये लगता है अभिराज हर्ष को लेके आ गया। आज तुम बिल्कुल चिंता ना करो, हमें जल्दी पता चल जाएगा ये हरकत किसने की। हाँ अरे हर्ष, ये गोलगप्पे वाला वही नहीं है जो होली पार्टी पे था? ये था। हाँ हाँ, चल। तू था ना होली पार्टी में अपना पानी पूरी का ठेला लेके हमारे सोसाइटी में खड़ा? बोल। हर्ष यही तो था, याद नहीं है तुझे? कंपटीशन के वक्त किसने तो गोलगप्पों का पानी रखा था टेबल पे। हाँ तू रुक एक मिनट भैया, मेरी बात सुनिए, हम आराम से पूछ रहे हैं। बताइए किसने कहा था आपको ये गोलगप्पों के पानी में भांग मिलाने के लिए? अभी राज इतने प्यार से पूछोगे तो कुछ नहीं बताने वाला, ये मैं उगलवाता हूँ इसे, देख। बोल वरना तू एक और बोल, बता सच सच वरना इसे साइकिल पे आपको चलने के जाऊंगा। बोल, मत मारिए हमें, मत मारिए, हम सब सच बताएंगे आपको, हम सब सच बता रहे हैं। एक सेकंड, रुको, हर्ष तू रुक, मैं मॉम को कॉल कर रहा हूँ, सबको यहाँ आने दे, सबको सच्चाई सुनने दे, ठीक है? तू रुक, कुछ नहीं करना, हाँ? देख, अभी सब लोग आएंगे ना, तो ज़्यादा होशियार मत बनना, सबको सच सच बताना। मैं अभी जल्दी से सोसाइटी ग्रुप में मैसेज कर देती हूँ, तमाशा हो रहा है तो देखने वाले तो चाहिए ना। घबरा मत, मैं हूं ना, कुछ नहीं होने दूंगा तुझे, ठीक है? तू सबको सच सच बताएगा, लेकिन पूरा सच, वरना जेल जाने के लिए तैयार हो जाना। हमने कुछ नहीं किया साहब, हमने कुछ नहीं किया, जो कुछ भी किया विराट आहूजा ने किया साहब, हमने नहीं कुछ किया। पता था मुझे विराट आहूजा, पर देख तू गया। अब होगा असली तमाशा। देखो ना हमारे बीच में कितना कुछ हुआ, हम लड़े झगड़े, एक दूसरे को टॉर्चर किया, मैंने तुम पे भरोसा नहीं किया, तुमने मुझ पे भरोसा किया विदाउट एनी प्रूफ, उसके लिए मैं आपका थैंक यू तभी एक्सेप्ट करूंगी जब आप मेरे एक सवाल का जवाब देंगे। हाँ पूछो, कुछ पर्सनल मत पूछो। पर्सनली बाथरूम में क्या कर रहे थे? मुझे क्या लगता है ना कि हम भाग के, इतना याद है कि आप शायद ना सॉरी बोलना चाहते थे मुझसे। पागल हो गई हो क्या? हाँ सॉरी वॉरी क्यों बोलूंगा मैं तुम्हें? तो आप पागल हो गए क्या? मैं क्यों आऊंगी आपके पास? वो तुम्हें पता, आई तो तुम थी। तुम्हें भी ना मैं कुछ ज्यादा ही हॉट लगने लग गया हूँ जो मैं एक्चुअली मैं हूँ, बट मैं रियलाइज अब हुआ है। हॉट का पता नहीं, हाय हैं आप, नशा उतरा नहीं अभी आपका। ओ मैडम, नशा तो मेरा तभी उतर गया था जब तुम आईडिया से चार्ज करके मेरी तरफ। हाँ कुछ भी वही तो, कुछ भी हो सकता था भयंकर, कुछ भी। तुम्हें आईडिया नहीं है कि तुम कितने नशे में थी, वो तो मैंने एंड टाइम पे संभाल लिया, वरना तुम तो फुल टल्ली थी बॉस। तुम मिल गए।
बस 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 मैं कोशिश करूंगी खुद को कंट्रोल करने की। यू मस्ट कोशिश करूंगी आप पे अटैक ना करूं। बहुत मुश्किल है। मुश्किल है ना, ये बात रिकॉर्ड कर लूं मैं। कल को प्रूफ भी चाहिए होगा, है ना? किसी ने कुछ बोल दिया है, मेरी बदनामी होगी। उनका मुंह मैं बंद करवा दूंगा। अमु, अब हर्षु ने उस चाट वाले से बात कर ली है और वो बताने के लिए तैयार हो गया है कि पानीपुरी के पानी में भांग किसने मिलाई है। चलिए ना, जल्दी चलिए। हाँ। क्या हो रहा है अब? चल अब बता सबको जो तूने मुझे बताया था। आप हमें जाने दीजिए, हम मामूली आदमी है, हमें कुछ नहीं पता साहब। अबे तू मामूली आदमी नहीं, घटिया आदमी है तू, जिसने उस गिरे हुए आदमी का साथ दिया। अब उस गिरे हुए आदमी के चेहरे से भी नकाब तू ही उतारेगा। और बता किसने तुझे पैसे दिए ठेला छोड़ के जाने के लिए, वरना तेरी। बता रहे हैं साहब, बता रहे हैं, इन्होंने। इन्होंने हमें नोटों की गड्डी देकर कहा कि तुम बाहर घूम कर आओ। हमें नहीं पता कि उसके बाद उन्होंने उसमें क्या मिलाया क्या नहीं मिलाया। क्या बकवास कर रहा है तू? अब लगाऊंगा मुंह पे। कौन से पैसे दिए मैंने तुझे? झूठ क्यों बोल रहा है? साहब आप भी तो बोला था घूम कर आना। ओह माय गॉड बबीता जी, ये क्या बोल रहा है पानीपुरी वाला? ये सब क्या हो रहा है? बकवास बंद कर अपनी। कब कहा मैंने तुझसे ये सब? सच सच बता वरना जिंदा नहीं छोड़ूंगा तुझे। नहीं प्लीज नहीं। क्या नहीं? यहाँ खड़े होके कुछ भी बोलेगा इसका मुंह तोड़ दूंगा मैं। क्यों? ताकि वो तुम्हारी पोल ना खोल दे। अरे आंटी गवाह है, तुमने जो गुनाह किया ना उसका सबसे बड़ा इकलौता गवाह है ये। अपना बयान देगा वो पुलिस में और तुम जाओगे जेल। हर्ष फोन कर पुलिस को। नहीं नहीं आप प्लीज ऐसा मत कीजिएगा, मेरा दिल कह रहा है कि विराट ऐसा कर ही नहीं सकता। अरे भाड़ में जाए तेरा दिल। तेरा दिल क्या कहता है क्या नहीं कहता किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता, सिर्फ सही। और तू आखिरी बार पूछ रहा हूँ, सच सच बता किसने बोला तुझे मुझ पे झूठा इल्जाम लगाने के लिए? अब ये पानी पूरी वाला भी झूठा हो गया है, क्योंकि सबसे बड़ी सच्चाई की मूरत तो इस दुनिया में एक ही है ना, विराट सिंह आहूजा, जो औरतों की इतनी इज्जत करता है। यही कहा था ना तूने मुझे, ये है इसका असली सच। अरे आंटी ये सच नहीं है। और सच क्या है ना, मैं इसे बुलवाऊंगा अगर सीधे मुंह नहीं बोलेगा ना तो। विराट देखो हम सब जानते हैं कि तुम हमसे नाराज थी, खासकर मेरी अमू से, इसलिए इसे परेशान करने के लिए तुमने। नहीं नहीं नहीं, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि तुमने कुछ बुरा सोचा, कहीं तुम मजाक में। नहीं हाउ डेयर यू, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे बेटे पर घटिया इल्जाम लगाने की? जैसे तेरे बेटे की हिम्मत हुई ना ऐसी घटिया हरकत करने की, अब तो जाएगा वो जेल। हम गवाह भी है ना हमारे पास। हर्ष पुलिस को फोन कर। ठीक है तो मैं पुलिस को फोन लगाता हूँ। हर्ष रुक जा। लेकिन क्यों ताई, वो अभी इस आदमी का साथ देगी? तेरे सामने सबूत है, गवाह है, फिर भी आज मत रोक मुझे कम से कम। रोक नहीं रही मैं, बस ये कह रही हूँ कि जब गलत मेरे साथ हुआ है तो कंप्लेन करने का हक भी मेरा है। वो गाड़ी सब क्या हो रहा है? मेरे बेटे को फंसाने की साजिश। कुछ इस लड़की ने किया, पानी में भांग भी इसी ने मिलाई और अब ये इस पानीपुरी वाले को लेकर आई है अपने साथ शामिल करके झूठ बुलवाने के लिए। और ये ऐसा क्यों करेगी तुम्हें पूछो?
नाते इस बिगड़े बेटी से। बबीता जी आप संभालना, तुम्हें अपनी बेटी को चाहिए था और तुम मेरे बेटे पर इल्जाम लगा रही हो। सच बात तो ये है ना कि ये खुद भांग पी कर आई, खुद अपने पैरों पर चलकर मेरे बेटे के कमरे में गई। ये इतनी सीधी है तो फिर अकेले मेरे बेटे के कमरे में क्यों गई, और वो भी बाथरूम तक? हाँ मैं बताती हूँ, क्योंकि इसका कैरेक्टर ही ऐसा है। बबीता जी जबान संभाल के। क्या कर रही हो? प्लीज खबरदार, अगर मेरा बेटा जेल गया तो तुम्हारी बेटी भी खुली हवा में चैन से सांस नहीं ले पाएगी। इतनी बदनामी करूंगी ना मैं इसकी कि इसके लिए इसकी जिंदगी ही सजा बन जाएगी। Stop it, please don't do this. No, I won't. यही समझा रही हूं मैं इन लीचड़ लोगों को। अगर मेरे बेटे के इज्जत पर उंगली उठाई ना तो छोड़ूंगी नहीं मैं तुम्हें, किसी भी हद तक जा सकती हूं मैं। तो क्या मेरी बेटी की इज्जत उछालोगे? हाँ, इसलिए कह रही हूं कुछ भी करने से पहले सोचो। मैंने सोच लिया मैम मुझे क्या करना। एंकर, जो भी ये कह रहा था ना वो सच नहीं है, प्लीज ट्रस्ट मी, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। तुम जानती हो ना मुझे। एंड मॉम प्लीज, लोगों के कैरेक्टर को जज करना बंद कीजिए। आप क्या हो गया आपको? सर आप लोगों को जो करना है आप लोग कर सकते हैं। आपकी मॉम सही कह रही, मैंने सोच लिया मुझे क्या करना, और अपने तरीके